हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 29 फरवरी, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। अगर वहां पे ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप सिंपली हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ करके हमें सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डे इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट प्रोटीन डे। सो पहली बार इंडिया ने प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया है, आपको बताना कि कौन से डेट को इसको सेलिब्रेट किया गया। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 27 फरवरी, 27 फरवरी को इसे ऑब्जर्व किया गया। एंड जो इसका थीम रखा गया, फर्स्ट बार सेलिब्रेट करें, एंड पहला थीम प्रोटीन में क्या है जो थीम रखा गया। ओके, अब देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल। राइट टू प्रोटीन एक नेशनल लेवल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया 27 फरवरी को। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों के प्रति जागरूकता एंड लोगों को एजुकेट करना कि ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। सो इसका थीम भी इसी तरीके का रखा गया, प्रोटीन में क्या है, ताकि आप दूसरों को बता पाएँ या उनसे पूछ पाएँ कि प्रोटीन में ऐसा क्या है जो हमारी हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको याद रखना है ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज इसको सेलिब्रेट करती हैं 27 फरवरी को। सो इस मूवमेंट को, इस इनिशिएटिव को इंडिया ने भी इस बारी ज्वाइन कर लिया। अब डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 27 फरवरी का एक और एडिशनल डेट आपको याद रखना है, 27 फरवरी प्रोटीन डे। ओके, अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का नाम है हरसिमरत कौर बादल, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, सेकेंड करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द मेगा इवेंट रेस 2020। सो एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है रेस 2020। सो ना तो क्वेश्चन इज आस्किंग कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, सो ये होगा जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। अब रेस क्या है जी, देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इम्पावरमेंट 2020 है। तो इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता हो गई। ओके, अप्रैल महीने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 11 से 12 अप्रैल के बिटवीन हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लाइक लोगों को अवेयर करना है इसकी इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी आजकल के टाइम पे। ओके, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ओके, विद द पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। आपको पता है एक ऐसा इंडियन स्टेट भी है जो 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल तेलंगाना। ओके, तो वो आपको याद रखना ही रखना है। एंड हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, इनका नाम है हर्षवर्धन। ओके, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, रेस 2020 समिट न्यू दिल्ली में होगा। अब अप्रैल महीने में एक और समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, वो हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में होगा, वो भी आप याद रखिएगा। देन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। सो अभी लिस्ट आई, आपको बताने की हमारा इंडिया कौन से नंबर पर है ग्लोबली, हमारे कंट्री कितना रिच है अमंग द टॉप 3 कंट्रीज। ओके, तो हम देखे जाएँ तो हम हैं जी 3rd नंबर। ओके, हम हैं 3rd नंबर रिच में, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 पे कौन है जी, नंबर 1 पे है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा अमीर लाइक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर्स चाइना में। ओके, उसके बाद USA में एंड 3rd नंबर पर हमारा अपना भारत है इंडिया में। ये 9वां एडिशन था, दिस वॉज द 9th एडिशन। एंड कंट्रीज़ का तो आपको याद रखना है, चाइना नंबर 1, 2nd पे USA, 3rd पे हमारा अपना भारत। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे रहे जी अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस। ओके, इनका जो टोटल वेल्थ है वो है जी $140 बिलियन। ओके, देन इस फॉलोड बाय बर्नार्ड अर्नॉल्ट, 2nd नंबर पे फ्रांस के हैं जी, ठीक है। फ्रांस की एक कंपनी है, एक लक्जरीज गुड की कंपनी है, तो इनकी जो लगी है 2nd नंबर पे रहे। ओके, जो इनकी वैल्यू है टोटल वो वेल्थ की वो है जी $107 बिलियन। एंड बिल गेट 3rd नंबर पे रहे विद द वैल्यू ऑफ $106 बिलियन 3rd नंबर पे। एंड हमारे इंडिया की तरफ से रहे जी इंडिया के पहले एंड वर्ल्ड वाइड 9th नंबर पे मुकेश अंबानी, जो है रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। ओके, तो ये एडिशनल सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, टॉप्ड बाय चाइना इन केस ऑफ कंट्रीज एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल जेफ बेजोस। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन। तो एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। सबसे पहले तो एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर क्या है जी, 14400। ओके, किसे बनाया गया, हैदराबाद की PV सिंधु। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखना है।
आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रही, विश्वाभूषण हरिचंदन इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके, अमरावती इज द कैपिटल। नाउ बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। मारिया शारापोवा, इन्होंने अभी 5-time ग्रैंड स्लैम विनर, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, मारिया शारापोवा। देन उसके बाद जावेद अशरफ, ये अभी इन्हें बनाया कि इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस, ओके, वो आपको याद रखना है। राजेश कुमार, इन्हें MD एंड CEO बनाया गया सिबल का, ओके, वो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो, आप लोगों को स्पोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक टारगेट 1000 लाइक है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू अचीव दिस टारगेट। आई डोंट नो व्हाई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको विदाउट मिसिंग एनी वीडियो, बट स्टिल वी आर नॉट अचीविंग दिस टारगेट। अब मुझे आपने मुझे बताने कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, ओके? देखो, 4000-5000 लोग देखते हो, 1000 लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे इसका आज आंसर चाहिए, ओके? सो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब तो करो एंड इसको शेयर करो यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे मेरे लिए भी, लाइक आप लोगों के लाइक एंड शेयरिंग इज़ लाइक द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ओके? सो क्यों आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हो, आप लोग क्यों इस टारगेट को अचीव नहीं करवा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। मैंने तो पूरे एफर्ट्स लगा दिए, अब मैं आपको बोल ही सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखो, वही एक मोटिवेशन रहता है, तो प्लीज़ लाइक करें एंड आज तो टारगेट एटलीस्ट अचीव करवा ही दो, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। देन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट द बैन इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि देखो, जब प्याज कितना महंगा हो गया था, 200 रुपये किलो हो गया था, तो कुछ फार्मर्स थे वो बाहर इम्पोर्ट कर रहे थे, तब भी बाहर बेच रहे थे, लाइक घर में खाने को लाले पड़ रहे थे लेकिन बाहर बेच रहे थे, तो गवर्नमेंट ने मजबूरन इस पे प्रतिबंध लगाया था। चलो, अब रेट कम हो गए तो अब ऑनियन पे इम्पोर्ट जो बैन लगा था एक्सपोर्ट का, तो वो अब बाहर बेच नहीं सकते थे कुछ टाइम के लिए, अब वो बैन हटा दिया गवर्नमेंट ने, आपको ये याद रखना, ओके? ऑनियन याद रखेंगे, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना है, ओके? देन विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल द सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री। वुमेन्स के सारे जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको फ्री कर दिए इस कंट्री ने, ओके? तो बताना कौन सा कंट्री है। द कंट्री इज स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंट्री का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अबाउट द कंट्री, ओके, दिस इज द मैप ऑफ द कंट्री, ये आपका मैप भी आ गया। देन उसके बाद करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, कैपिटल है एडिनबर्ग, इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। कंट्री का नाम याद रख लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। विच क्रिकेटर विल बी अवॉर्डेड ऑनरी सिटीजनशिप बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको नागरिकता देने वाली है जी, ठीक है, इनको सम्मानित करने वाली है पाकिस्तान के सबसे सर्वोच्च सम्मान से। तो सबसे पहले तो इनका नाम, पिक्चर से अगर क्रिकेट देखते हो तो पहचान लिया आपने इनको, डैरेन सैमी। कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं जी, ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं एंड पाकिस्तान की, जैसे हमारा IPL होता है ना वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, सो उसको ये लीड करते हैं, लाइक काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। सो डैरेन सैमी इनका नाम आपको याद रखना है एंड इन्हें ऑनरी सिटीजनशिप से सम्मानित किया जाएगा एंड पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ए हैदर से भी सम्मानित किया जाएगा वहाँ के प्रेजिडेंट आरिफ अलवी द्वारा 23 मार्च को, ओके? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना। बाकी ऑप्शंस में रॉस टेलर फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 100 मैच ऑफ ईच फॉर्मेट, टेस्ट के 100 मैच, T20 के 100 मैच एंड वन डे के टीम 100 मैच खेलने वाले रॉस टेलर फर्स्ट बने। कैथरीन जॉनसन, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के टीम के लिए खेलते हैं, कैथरीन जॉनसन नासा के एस्ट्रोनॉट थी, मैथमेटिशियन थी, 101 ईयर की एज में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नाउ अजय बांगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मास्टर कार्ड के CEO हैं बट इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ CEO ऑफ मास्टर कार्ड, ओके? तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देन उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस इज़ अ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि यूथ को स्किल्ड बनाना, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था। सो इसका थर्ड फेज लॉन्च करने वाला है। सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये इसको लॉन्च कब किया गया था, ओके? इसको लॉन्च किया था 2015 में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव लगभग 1 करोड़ युवाओं को, यूथ को स्किल डेवलप्ड बनाना, लाइक अब आत्मनिर्भर बनाना अंडर दिस योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे शुरू किया गया था 2015 में, ओके? देन उसके बाद द सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 हैज़ प्रपोज टू इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर ऑफ सैरोगेट मदर टू हाउ मैनी मैंथ्स, ओके? बेसिकली जो एक सैरोगेट मदर होती है इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी या फिर कोई डिवोर्स केस हो गया या फिर कोई विडो हो गई कोई वूमेन,
लाइक उस केस में अगर उसको कोई उसका रिलेटिव क्लोज रिलेटिव या जो भी कोई वूमेन एक सैरोगेट मदर बनती है ओके मैं लाइक उसकी कोख से उसको वो बच्चा देती है सो उसका एक इंश्योरेंस कवर होता है अंडर सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 तो उस मदर का जो सैरोगेट मदर रहती है उसका इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया ठीक है पहले 16 मंथ जो इंश्योरेंस कवर था नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 36 मंथ इंश्योरेंस कवर जो भी सैरोगेट मदर रहेगी आप मंथ याद रखिएगा 36 महीने का लाइक जो इंश्योरेंस कवर फ्रॉम 16 मंथ टू 36 मंथ कर दिया गया ओके देन उसके बाद वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 27 फरवरी ठीक है 27 फरवरी को प्रोटीन डे भी हो गया 28 फरवरी को नेशनल डे नेशनल साइंस डे एंड 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे ये भी आपको याद रखना ओके बाकी बिल्कुल डिटेल में मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है बाकी आप पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो एंड इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में US, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसके हेड एच एम स्टैनर एंड उसके जो स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में ओके इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी स्थापना 2009 में हुई थी बाय लॉ स्टूडेंट मैरिक्स लॉयर्स स्कैंडमैनिस ओके इसके द्वारा इनके द्वारा इसकी लाइक फाउंडेशन रखी गई थी नेशनल NGO डे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है काफ़ी अच्छा काम करते हैं NGO जो होते हैं हमारी कंट्री में ठीक है सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो याद रखना 27 फरवरी को देन CBSE लॉन्च्ड एन एग्ज़ाम एक ऐप लॉन्च की गई CBSE ECL एग्ज़ाम सेंटर लोकेटर ओके सो इसमें क्या होगा कि बच्चे अपना एग्ज़ाम जहाँ भी होगा तो उसको लोकेट कर पाएंगे कितना दूर है उनकी करंट लोकेशन तो सारी जानकारी मिल जाएगी विद हेल्प ऑफ दिस ऐप एग्जाम सेंटर लोकेटर CBSE ECL एग्जाम सेंटर लोकेटर इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ओके बाकी प्रिंसिपल्स के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है ये भी लॉन्च किया गया अब इसमें क्या है कि प्रिंसिपल्स भी इंफॉर्मेशन पूरी देख सकते हैं ठीक है इनविजिलेटर कौन है एबसेंट स्टूडेंट कौन है दिमाग स्टूडेंट कौन है अनफेयर मीन्स लाइक जो बच्चे नकल वकल करते हैं ना ठीक है ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में मिल जाएगी OECMS ओके तो याद रखना CBSE द्वारा इसे लॉन्च किया गया सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन व्हिच बिकेम द क्राउन्ड एज द वर्ल्ड सेकेंड यंगेस्ट बिलियनियर तो सेकेंड यंगेस्ट बिलियनियर बन गए हैं जी आप सबसे पहले तो इनकी एज क्या है जी ये हैं जी 24 ईयर्स के ओके ओयो रूम्स सुना है ना ओयो रूम्स के संस्थापक हैं उसके फाउंडर हैं ओके तो इनका नाम क्या है जी रितेश अग्रवाल 24 ईयर्स के एंड इनकी जो वैल्यू जो टोटल वेल्थ की वैल्यू है जी वो ही 1.1 US billion dollar ओके लगभग 7800 करोड़ ठीक है 7800 करोड़ अब ये सेकंड बने 24 साल के 24 तो फर्स्ट कौन बनी थी अमेरिका की थी काइली जैनर ओके काइली जैनर बनी थी फर्स्ट ये बनी थी 21 ईयर्स की एज में ओके US में एक कॉस्मेटिक कंपनी चलाती काइली जैनर तो ये बनी थी फर्स्ट बनी थी एंड सेकंड बन गए हमारे इंडिया के रितेश अग्रवाल ओके याद रखिएगा देन ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची ये ओमान के क्रिकेटर थे इन पे ICC ने 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया भाई साहब करप्शन कर रहे थे ठीक है तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर रितेश अग्रवाल ओके एक क्वेश्चन आपके लिए ऑन विच डे नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है यू हैव टू आंसर दिस एंड विद दिस आपको इसका डेट बताना है एंड साथ में थीम भी बताना है ओके एंड हो सके तो जो स्टूडेंट हु आर विलिंग टू आंसर आप फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज आप कमेंट करके लिख सकते हो प्रॉपरली लिखेगा ताकि मैं कमेंट को पिन करूं एंड बाकी स्टूडेंट भी एक बार अच्छे से उसका रिवाइज कर पाएँ एंड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको फरवरी फुल मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे ओके मैं ट्राई करूंगा 2-3 बजे तक आफ्टरनून तक आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँ ओके फुल मंथ करंट अफेयर होंगे तो वो उसके लिए तैयार हो जाओ उसमें आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर वीडियो को लाइक कर लेना ठीक है आज 1000 लाइक मुझे चाहिए ओके थैंक यू